बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी हमें फूड में आए हुए न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से मिलती है। जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस के दरमियान कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड्स एंड फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है। 55-65% एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है और प्रोटीन भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन प्रोटीन के अंदर आए हुए अमाइनो एसिड्स का मेन रोल होता है नए सेल्स को बनाना, पुराने सेल्स को रिपेयर करना और हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स को बनाना। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज की। मिनिमम 8 घंटे के फास्टिंग के बाद ब्लड में जो ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज होती है वो है लेस देन 100, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो नॉर्मल रेंज है वो है लेस देन 140। जैसे मैंने आगे बताया कि ग्लूकोज हमारे बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है। ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है ये हमारे सेल के अंदर होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसुलिन की मदद के बिना ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बढ़ता है वो पैनक्रियास उसे सेंस करता है और उतनी अमाउंट में वो इंसुलिन ब्लड में रिलीज करता है। अब हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ एक इंसुलिन मॉलिक्यूल अटैच होता है। मान लो कि इंसुलिन ग्लूकोज को हाथ पकड़ के सेल तक लेके जाता है। अब सेल के ऊपर एक वॉचमैन होता है जिसे हम इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। ये इंसुलिन रिसेप्टर को एक सिग्नल भेजता है, एक मैसेज भेजता है कि भैया प्लीज ओपन द डोर, मेरे साथ ग्लूकोज आया है जिसे आप अंदर ले लो। ये सिग्नल या ये मैसेज को रीड करके इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिव होके ग्लूकोज को सेल के अंदर ले लेता है और वहां पे ग्लूकोज अल्टीमेटली एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हमारे बॉडी को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतनी ही अमाउंट में सेल ग्लूकोज को यूज करती है। बाकी का जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो लीवर और मसल्स में स्टोर होता है, जहां पे उसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। अब ये स्टोरेज सिस्टम फुल होने के बाद भी अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है तो वो जाके फैट में स्टोर होता है एंड लास्ट में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो ये हुई नॉर्मल कंडीशन में इंसुलिन और शुगर के बीच के कोऑर्डिनेशन की बात। लेकिन हमें तो ये जानना है कि व्हाई डज द बॉडी प्रोड्यूस लेस इंसुलिन। मैं यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात नहीं करूंगी, जिनमें जन्म से ही इंसुलिन की कमी होती है या तो बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनता है। आज मैं बात करने वाली हूँ टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, जो पहले तो हेल्दी थे लेकिन समय के साथ साथ उनके पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना कम कर दिया और इसलिए वो डायबिटीज के शिकार हुए। यहाँ पे एक बात जरूर से नोट कीजिए कि पैनक्रियाज रातों रात इंसुलिन बनाना कम नहीं करता है। बहुत लंबे समय से जब इंसुलिन और ग्लूकोज के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तभी जाके पैनक्रियाज माल फंक्शंस बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो इंसुलिन बनाना कम करता है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि इंसुलिन ग्लूकोज को लेके जब सेल के पास पहुंचता है तो वो इंसुलिन रिसेप्टर को एक सिग्नल भेजता है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर आने दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन के ये जो सिग्नल होते उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, माने कि वो उनकी बात मानते नहीं है या सुनते नहीं है। इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई ही रहता है। अब जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल सर्टेन टाइम से ज़्यादा हाई होता है तो पैनक्रियास को वापिस एक सिग्नल मिलता है कि अभी तक ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं हुआ है। तो पैनक्रियास ये समझता है कि ग्लूकोज लेवल इंसुलिन की कमी की वजह से नॉर्मल नहीं हुआ है, सो वो और ज़्यादा इंसुलिन ब्लड में रिलीज करता है। अब पूरी सिचुएशन आप समझ सकते हो कि पहले तो जितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे उतने ही इंसुलिन के मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में थे, लेकिन ज़्यादा समय तक ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हुआ तो पैनक्रियास ने और भी ज़्यादा इंसुलिन ब्लड में दे दिया और अब यहाँ पे जितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है उससे ज़्यादा इंसुलिन के मॉलिक्यूल है और जिसे हम कहते हैं हाइपर इंसुलिनमिया। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ था ये इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं था, लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर जो अच्छी तरह से काम नहीं करते थे इसकी वजह से ये ग्लूकोज लेवल बढ़ा था और जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंसी। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंसी की सिचुएशन, ये कंडीशन जब लंबे समय तक चलती है तब
हमारा पेनक्रियास डैमेज हो जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन बनाना कम करता है और जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंसी डेवलप होती क्यों है। आपका सवाल सही है और इस सवाल का जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।